ऐसे समय में जब एम्बुलेंस को लेकर के पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ था, न जाने कितने लोग काल कवलित हो गए, सिवान में 3 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस घोटाला हुआ। एम्बुलेंस की कमी के कारण जिले के हजारों लोगों की जानें चली गई, लोगों ने अपने परिजनों को, अपने प्रियजनों के लाशों को अपने कंधे पर ढोया। क्या लुका छिपी चल रही है, कौन इस पूरे कहानी का सूत्रधार है और ये घोटाला किन किन लोगों की संलिप्तता से किया गया है, ये तमाम बातें, ये तमाम सवाल अपनी जगह पर खड़े हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये तमाम जनप्रतिनिधि जब ये घोटाला हो रहा था उस वक्त क्या कर रहे थे, क्या उनकी ये मौन स्वीकृति थी? न स्याही के है दुश्मन, न सफेदी के है दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सफेद पोश लोगों के काले कारनामे आप अक्सर सुनते होंगे, सिवान में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सिवान में 3 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस घोटाला हुआ है। 3 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। ये मामला सिवान का है, 2-3 दिन पहले से ये मामला आप तक भी पहुंचा होगा। हम थोड़ा इसको समझेंगे कि आखिर ये घोटाला हुआ कैसे है। समय सिवान की टीम जब सदर अस्पताल पहुंची तो जिस जगह पर अभी जो आप जगह देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, यहाँ कल परसों तक यहाँ एम्बुलेंस वो मौजूद थे, लेकिन आज वो एम्बुलेंस वहाँ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्हें हटा दिया गया है या वो फिर मरीजों की सेवा में लगा दिए गए हैं। बाकी यही है कि जब से ये विवाद हुआ है उसके बाद से ही ये एम्बुलेंस यहाँ से हटा दिए गए हैं। यहाँ पर ऑफ रिकॉर्ड कुछ यहाँ के कर्मचारियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि एम्बुलेंस कहाँ है अभी पता नहीं है, किस बात के लिए लीपापोती की जा रही है इसका भी पता नहीं है। फिलहाल हम समझते हैं कि एम्बुलेंस घोटाला हुआ कैसे है। सिवान के जो DPO है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर राजीव कुमार, उनके हस्ताक्षर से 21 एम्बुलेंस खरीदे गए जिसमें 3 करोड़ घोटाले की बात कही जा रही है। मारुति के एक एम्बुलेंस की कीमत जो है, जिस मॉडल का ये एम्बुलेंस यहाँ खरीदा गया था, उसकी एक एम्बुलेंस की कीमत है, मार्केट की कीमत है, वो तकरीबन 7 लाख रुपए है। और 7 लाख रुपए में ये बिल में दर्शाया भी गया तकरीबन 7 लाख रुपए का। लेकिन इसके अलावा जो खेल हुआ है वो ये है कि इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन के नाम पर 6,72,000 रुपये का अलग से बिल बनाया गया, इंश्योरेंस के नाम पर 36,000 रुपये का अलग से बिल बनाया गया, रजिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर 78,000 रुपये का अलग से बिल बनाया गया, जबकि जो एम्बुलेंस और एम्बुलेंस के अंदर जो मरीज और ड्राइवर के बीच का जो पार्टीशन होता है उसके नाम पर 1,24,000 का बिल बनाया गया। जबकि अजीब बात यह है कि ऑन रोड एक एम्बुलेंस की कीमत है 7 लाख रुपए। ये 7 लाख रुपए में तमाम चीज़ें होती है कि 7 लाख रुपए में तमाम चीज़ें आती हैं तो ये अलग से क्यों जोड़ा गया? और ये टोटल कॉस्ट जो होता है वो 16 लाख होता है, यानी 7 लाख को 16 लाख कर दिया गया, जिसके हिसाब से एक एम्बुलेंस पर 9 लाख रुपए के घोटाले की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, अभी आगे और है, एम्बुलेंस के अंदर जो चीज़ें, जो इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं उसको, उसके खरीदारी में भी भारी जो है वो गड़बड़ी की बात कही जा रही है। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, एम्बुलेंस के अंदर एक यंत्र है, जीवन रक्षक यंत्र है, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर, इसको जो इसकी असल कीमत है मार्केट में, आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, 60,000 रुपये। इस 60,000 रुपये के ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर की कीमत जो दर्शाई गई वो 3,41,000 रुपये में इसका बिल बनाया गया। इतना ही नहीं, मोनिटर मल्टी पैरामीटर, यानी वो यंत्र जो एम्बुलेंस में होता है जिससे पेशेंट का हार्ट बीट वगैरह, जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी स्थिति को देखने के लिए डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, उस यंत्र को मोनिटर मल्टी पैरामीटर बोलते हैं, जो मार्केट में 30,000 रुपये का अवेलेबल है, लेकिन DPO महोदय द्वारा 1,18,000 रुपये उसकी कीमत दिखाई गई। सीरिंज पंप एक यंत्र है जो एम्बुलेंस में लगता है, इसकी मार्केट की जो असल कीमत है वो 20,000 रुपये है, जबकि DPO महोदय द्वारा इसका जो साइन किया गया, उस बिल पर साइन किया गया, उस बिल में 69,000 रुपये दर्ज है। सक्शन मशीन जो होता है, सक्शन मशीन की असल कीमत 8,500 रुपये के करीब में है, जबकि उसकी कीमत बिल में 33,000 रुपये दिखाया गया है। यानी जो असल में जो तमाम चीज़ें लगी उसकी असल कीमत है 1,20,000 के आसपास। ये ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर हो गया, मोनिटर मल्टी पैरामीटर हो गया, ये सक्शन मशीन हो गया, सिरिंज पंप हो गया, इन तमाम चीज़ों की जो मार्केट वैल्यू है
मार्केट में जो कीमत है, इंटरनेट पर जो मिलता है, ऑनलाइन जो मिलता है, इसकी कीमत 1,20,000 रुपए के आसपास है तकरीबन। लेकिन जो बिल बना जिस पर डीपीओ राजीव कुमार ने जो साइन किया हुआ है, वो बिल है लगभग 6,00,000 रुपए के आसपास। यानी इसमें भी 5,00,000 रुपए का घोटाला किया गया। एम्बुलेंस के खरीदारी में 9,00,000 का घोटाला हुआ, और जो उसमें सामान लगाया गया उसके लिए 5,00,000 का घोटाला हुआ, 9,5,14,00,000। यानी एक एम्बुलेंस की खरीदारी में 14,00,000 रुपए का घोटाला हुआ। ऐसे ऐसे 21 एम्बुलेंस खरीदे गए, यानी एक एम्बुलेंस पे अगर 14,00,000 का घोटाला हुआ है, तो उस हिसाब से 21 एम्बुलेंस का अगर हम वो दाम जोड़ दें, उसकी कीमत जोड़ दें, तो ये लगभग 3 करोड़ का घोटाला हुआ है। एम्बुलेंस खरीदारी में 3 करोड़ का घोटाला हुआ है, ऐसे समय में जब एम्बुलेंस को लेकर के पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ था, न जाने कितने लोग काल कवलित हो गए, उस एम्बुलेंस को लेकर के सिवान में घोटाले की बात कही जा रही है। 2018 में सरकार का एक सर्कुलर आया था, एक नियमावली आई थी कि जो भी बिहार के स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको अगर किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो वो तमाम इक्विपमेंट्स गवर्नमेंट की एक साइट है, एक पोर्टल है, ई मार्केट है, जिसको GEM कहते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वहाँ से खरीदने का दिशा निर्देश था बिहार सरकार का नियमावली के अनुसार। GEM पर वो अगर इक्विपमेंट नहीं है, तो टेंडर निकालने का प्रावधान है, जैसा कि नियमावली कहती है। टेंडर निकालने के बाद जो है, जो सबसे कम कीमत पर जहाँ से इक्विपमेंट्स मिलेंगे, वहाँ से जो है इक्विपमेंट्स खरीदने का प्रावधान है। लेकिन जो 21 के 21 एम्बुलेंस खरीदे गए, वो इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी से खरीदे गए। अजीब बात यह है कि इंद्रासन कंपनी जो है, वो बाथरूम फिटिंग बनाती है। इनके फेसबुक के जो डिस्क्रिप्शन है, फेसबुक पर ये लोग जो कहते हैं कि हम बाथरूम फिटिंग बनाते हैं, लहसे में सवाल उठता है कि बाथरूम फिटिंग बनाने वाली इस इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी को ये 21 एम्बुलेंस का टेंडर कैसे दिया गया? एम्बुलेंस कब से ये लोग जो है एम्बुलेंस से कब से डील करने लगे? तो ये भी अपने एक आप में सवाल है। जो 21 एम्बुलेंस खरीदे गए, उसकी अनुशंसा यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई। MLC टुन्ना जी पांडे द्वारा 17 एम्बुलेंस की अनुशंसा की गई। पूर्व विधायक जो जीरादेई के विधायक हैं, रमेश सिंह कुशवाहा, उनके द्वारा 2 एम्बुलेंस की अनुशंसा की गई। और जो पूर्व विधायक हैं, सिवान सदर से हुआ करते थे, व्यासदेव प्रसाद, उनके द्वारा भी 2 एम्बुलेंस की अनुशंसा की गई। और फिर ये एम्बुलेंस खरीदा गया। कुछ एम्बुलेंस सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में रखे हुए थे, और ये जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं, ये हमारी फाइल तस्वीर है। और उसके बाद जो है, जब ये पप्पू यादव ने छपरा में जो है राजीव प्रताप रूड़ी के ऑफिस के बाहर जो एम्बुलेंस का वो जो पूरा भंडाफोड़ हुआ, उसके इस घटना के बाद से जो है, जो हड़बड़ी में वो तमाम एम्बुलेंस सदर अस्पताल में खड़े थे, इस पूरे प्रकरण के बाद वो एम्बुलेंस फिर यहाँ से गायब है। तो ऐसे में क्या लुका छिपी चल रही है, कौन इस पूरे कहानी का सूत्रधार है, और ये घोटाला किन किन लोगों की संलिप्तता से किया गया है, ये तमाम बातें, ये तमाम सवाल अपनी जगह पर खड़े हैं। आइए समझते हैं कि एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जब एम्बुलेंस उसके फंड से, उसके निधि से जो खरीदा जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। मोटा मोटी हम लोग जो है समझ लेते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले मान लीजिए कोई जनप्रतिनिधि है, अगर उसको लगता है कि उसके क्षेत्र में एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है, मान लीजिए सिवान सदर अस्पताल में एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो जनप्रतिनिधि जो है इसकी अनुशंसा करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे DPO महोदय को, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर को लिखेंगे, DPO महोदय को, जो DPO महोदय राजीव कुमार हैं, उनको ये लेटर लिखेंगे। उसके बाद वो बिल बना करके देंगे कि साहब इतने का जो है ये एम्बुलेंस है, ये सामान, ये जो इक्विपमेंट है, इतने का है। उसके बाद जब जनप्रतिनिधि द्वारा जो अनुशंसा कर दी जाएगी, DPO द्वारा बिल बना दिया जाएगा, उसके बाद एक टीम गठित होगी, जिस टीम में DDC और सिविल सर्जन होंगे। यानी जब ये एम्बुलेंस खरीदा गया था, 21 एम्बुलेंस, उस वक्त भी कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी के जो सदस्य थे, सिवान के तत्कालीन DDC सुनील कुमार थे, अभी ट्रांसफर हो गया उनका, अभी दीपक कुमार DDC है, सिविल सर्जन है, उस कमेटी के सदस्य थे। तो उस कमेटी को ये इंश्योर करना होता है कि जब एम्बुलेंस खरीद करके आया, तो उसमें तमाम चीज़ें हैं कि नहीं है, उस एम्बुलेंस में किसी तरह की कमी तो नहीं है। ये तमाम कमेटी का जो काम है, इस बात को इंश्योर करना कि जो पैसे दिए गए, उस पैसे को जो है सही इस्तेमाल हुआ है, और सही चीज़ मिली है कि नहीं मिली है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है।
सवाल ये भी उठता है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा, जब सिवान के जनप्रतिनिधियों से जब रमेश सिंह कुशवाहा से बात की गई, तो रमेश सिंह कुशवाहा का कहना है कि उन्होंने सिर्फ अनुशंसा कर दी थी। अरे भाई, आपने अनुशंसा कर दी थी तो ये आपने अपने जेब से पैसा थोड़े दिया था, ये तो जनता, गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, उसकी आपने अनुशंसा, क्या आपने खाली अनुशंसा करेंगे? आपका ये फर्ज नहीं है कि आप देखें कि जो 7 लाख का एम्बुलेंस 21-22 लाख रुपए में क्यों खरीदा जा रहा है? तो ऐसे कह करके लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये तमाम जनप्रतिनिधि जब ये घोटाला हो रहा था उस वक्त क्या कर रहे थे? क्या उनकी ये मौन स्वीकृति थी? कोरोना काल में आपने खबरों के माध्यम से देखा होगा कि किस तरीके से जो है स्वास्थ्य सुविधाएं जो है लचर स्थिति में है, और ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस की कमी के कारण जिले के हजारों लोगों की जानें चली गई सिर्फ एम्बुलेंस के कमी से। लोगों ने अपने परिजनों को, अपने प्रियजनों के लाशों को अपने कंधे पर ढोया है, रिक्शा ठेला पर लेके गए हैं। आपने वो देखा होगा, वो वीडियो, तमाम खबरें देखी होंगी कि एम्बुलेंस के कमी के वजह से क्या क्या स्थिति बनी और किस किस तरीके के हालात आम गरीब पब्लिक को देखना पड़ा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर जो सफ़ेद पोष लोग हैं वो लोग 3-3 करोड़ रुपए का घोटाला करके चैन की नींद सोते हैं। बहरहाल आगे डीएम साहब ने जांच कमेटी बैठा दी है, लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट कब आती है। बाकी सब ठीक है, 7 करोड़ रुपए का घोटाला उधर नगर परिषद में हुआ, डस्टबिन घोटाला, 3 करोड़ रुपए का घोटाला इधर एम्बुलेंस में हुआ है, बाकी सब ठीक है। घोटालों का मजा लीजिए, आप देखते रहिए। बहरहाल हम उम्मीद यही करते हैं कि जो जिला पदाधिकारी सिवान ने जो जांच कमेटी बैठाई है, वो जांच कमेटी जो है वो जांच करे और जो इस पूरे मामले में एम्बुलेंस कांड में जो दोषी है उनको सजा हो। जांच कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी, हमें इसका इंतजार रहेगा। बाकी हमने आपसे बता ही दिया, न स्याही के हैं दुश्मन न सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। बाकी आप लोग समझिए, देखते रहिए समय सिवान।